चंद्रशेखर बावनकुळे ने तो एक विशेष प्रशिक्षण शिविर लिया नागपुर में कि एक घोटाला हम कैसे करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं, पूछे उनको। लेकिन महाराष्ट्र की बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो चेले चपाटे हैं, चोर लफंगे, उनके साथ वो चुनाव हारने जा रहे हैं, किसी भी हालत में जीत नहीं पा रहे। लोकसभा में ये लोग हार गए हैं, हमने हराया उनको, बहुत कोशिश की, लेकिन विधानसभा में ये लोग हार रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं अभी मालूम है आपको? जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ और घोटाले कर रहे हैं। चुनाव आयोग को से हाथ मिलाकर चुनाव आयोग उनको मदद कर रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में जहां बीजेपी लड़ने जा रही है, लगभग 150 विधानसभा क्षेत्र जहां बीजेपी लड़ेगी, वहां वो ढूंढ रहे हैं ऐसे वोटर्स को जिसने लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को वोटिंग किया है, मतदान किया है। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर्स वो निकाल देंगे, डिलीट कर रहे हैं, और उनके जगह पर 10,000 बोगस वोटर्स को डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जीतने की संभावना है वो कम हो जाए, क्योंकि कांटे की टक्कर है कुछ जगह पर। ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग के मदद से होने जा रहा है। हम ये मुद्दा सिर्फ देश में नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी लेके जाएंगे कि ये देश में क्या हो रहा है, ये गांधी नेहरू का देश है, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान मानने वाला ये देश है, ये लोकतंत्र किस तरह से ये लोग खत्म कर रहे हैं। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के अखतियारे में आता है, तो मुझे लगता है उसके लिए जिम्मेदार अमित शाह जी है। आपको हमारे साथ लड़ना है तो मर के तरह सामने आइए, चुनाव लड़िए, लोगों में जाकर लड़िए, आपको पता चलेगा क्या है ये। आप हारने के डर से इस तरह से अगर घोटाले करेंगे तो देश देश नहीं रहेगा। चंद्रशेखर बावनकुळे ने तो एक विशेष प्रशिक्षण शिविर लिया नागपुर में कि एक घोटाला हम कैसे करना चाहते हैं और कैसे कर सकते हैं, पूछे उनको। विशेष शिविर लिया है और ये जिम्मेदारी जिनके पास दी है उसमें से एक व्यक्ति को विधान परिषद में जो गवर्नर्स नॉमिनेशन में जो एमएलए हुए हैं ना, उसमें से एक व्यक्ति को ये पूरा जिम्मा दिया है। उसमें से उसने शिंदेगढ़ को और अजीत पवार को नहीं लिया है, सिर्फ बीजेपी के ही मतदार संघ जो है चुनाव क्षेत्र है उसमें ऐसा हो रहा है। उसका मतलब है शिंदे को भी ये अब हराने वाले हैं और अजीत पवार को भी हराएंगे। बावनकुळे से हमको ये बात सीखने की जरूरत नहीं है। बावनकुळे जी, आप कभी भी सही तरीके से चुनाव नहीं लड़े और नहीं जीते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने जो घोटाले शुरू किए हैं उसका पोल खोल हुआ है, अभी आपको भागना पड़ेगा। देखिए, 20 तारीख को चुनाव होगा महाराष्ट्र में, 20 तारीख को चुनाव, 23 तारीख को होगा काउंटिंग, और 26 तारीख तक हमको सरकार बनाने की मुदत दी है। 26 को सरकार बनानी पड़ेगी, 23 को अगर काउंटिंग होता है तो 24 तक काउंटिंग चलता है। ये महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, दुर्गम भाग है, एक एक दो दो दिन लगता है मुंबई में पहुंचने के लिए, तो एमएलए दो दिन से यहाँ कैसे पहुंचेंगे, सरकार कैसे बनाएंगे? ये आघाड़ी का सरकार बनने वाला है, तो किसी भी हालत में लोगों को एक साथ नहीं आना है, और सरकार बनाने का या विधिमंडल का नेता चुनने का जो एक समय लगता है वो भी हमें नहीं दे रहे। फिर राज्यपाल के पास जाना है गठबंधन बनाकर, तो उससे पहले राष्ट्रपति शासन लगा दो, क्योंकि ये लोग सरकार नहीं बना सकते। 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन अमित शाह लगाएंगे, ये पूरा खेल चल रहा है महाराष्ट्र में, चुनाव होने के बाद भी राष्ट्रपति शासन लगाने का। लेकिन अमित शाह जी, मैं आपको बताता हूँ, हम ये होने नहीं देंगे। आज 12:30 बजे एक अर्जेंट बैठक हमने बुलाई है उद्धव साहब ने, शिवसेना प्रमुख ने, सभी प्रमुख नेताओं की, और 12:30 बजे हम मातोश्री में बैठेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं।